वहीं केरल के वायनाड में भूस्खलन की वजह से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि सड़कों लोग घायल हो गए हैं। सेना और कई एजेंसियों की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। आशंका जताई जा रही है कि करीब 100 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनके बचने की उम्मीद कम है। एनडीआरएफ और सेना की सहायता के लिए नौसेना की टीमें और वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया। सेना ने लगभग 300 कर्मियों को तैनात किया है और 140 सैनिकों को तिरुवनंतपुरम में स्टैंड बाई पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें भी तैनात किए जाने की योजना है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में वायनाड और कई अन्य जिलों में और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। दरअसल 29 जुलाई की रात 1 से 4 बजे के बीच वायनाड और चूरनमाला और मुंडाकई जैसे इलाकों में 3 बार भूस्खलन हुआ। इससे भारी तबाही मच गई और सैकड़ों लोग बह गए। घटनास्थल से कई वीडियोस भी सामने आए हैं, जिनमें टूटे हुए घरों और कई फीट के कीचड़ में तबाही का नजारा देखा जा सकता है। आपको मालूम है करीब 2-2.5 बजे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और कल सवेरे से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। कल थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से इतनी एफिशिएंसी और इतनी स्पीड से हम नहीं कर पाए। आज किस्मत है कि आज थोड़ा अभी तक मौसम खराब नहीं है। पीछे इलाके के अंदर तकरीबन 500-600 पुलिस, फॉरेस्ट रेंजर्स और लोकल वॉलंटियर्स जो है अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सकें, ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ में जो इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाए इस एरिया में। और जो वहाँ पे जो रबल की खुदाई हो रही है, उसमें थोड़ी हमें सहायता मिली है। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मैन्युअली हो रही है, जिनकी बेचा अपने मैन्युअल एफर्ट से हो रही है, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा। आज भी एयरलिफ्ट का है, अभी मौसम खुल जाए तो हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पे है, लेकिन जैसे मौसम खुलेगा तो आपसे कल सुबह तक 150 से ज्यादा फीटी मतलब डेथ हो चुकी है और 225 के करीब इंडिविजुअल्स को रेस्क्यू किया गया है। बट अभी ऑपरेशन जारी है और देखते हैं आगे। अभी वो अभी उतना डेंजर नहीं है, उतना खतरा नहीं है, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन हम पूरी सावधानी से आराम इस एरिया में भी ये है। एक दो दिन तो है इमीडिएट कैजुअल्टीज इवैक्यूएट करने, उसके आगे जो जितनी जो डिस्ट्रक्शन हुई है और जो नुकसान हुआ है उसका तो नहीं।